हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के ऊपर दिख रहा होगा इस बोर्ड पे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, ये हमेशा हर एग्जाम में यानी कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल ये पूछा हुआ है और इस साल भी इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन ये पूछता है तो इस टाइप का इसी फार्मूले पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए नॉर्मल टू द गिवन पॉइंट। इट मींस दैट स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण याद करना है दिए गए बिंदु पे। देखिए आप लोगों के पास एक क्या दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, इसका इक्वेशन दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा और उसे में पेपर में लिखा रहेगा कि इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए या फिर अभिलंब का इक्वेशन निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला कुछ होता है, फार्मूला को हम जल्दी ही डिराइव कर देंगे, लेकिन हमने सोचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन को हम पहले बता देते हैं, क्योंकि हम पहले से बता दिए हैं कि आप लोगों को केवल केवल बोर्ड एग्जाम के मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसको डाल देंगे, आप लोग देखिए और एक 100% चांस है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें इसी का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, स्पर्श रेखा में जो फार्मूला होता है क्या होता है, वाई माइनस वाई नॉट और वाई डीवाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स में डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं इसे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इट मींस दैट ये जो समीकरण है स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, यानी यहां पे क्या y रहेगा और y नॉट y इज अ गिवन पॉइंट, जैसे कि यहां x नॉट है y नॉट है। तो हम लोग को इस फार्मूले में दिख रहा है कि केवल केवल dy / dx निकालना है, यानी कि dy / dx मींस क्या होता है, dy ऑफ y। तो आप लोग देखिए यहां पे x टू द पावर 4 - 6x³ + 13x² - 10x + 5, ये क्या है हमारा कर्व का इक्वेशन है, जिस कर्व पे हमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल के समीकरण को हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा इसके बाद। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस दैट x के सापेक्ष अवकलन करने को। जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो आप लोग पहले से ही फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, एक फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, इट मीन दैट जो भी x का पावर रहता है पहले रहता है उसमें से कम हो जाता है। तो यहाँ भी सभी x ही दिख रहे हैं तो dx ऑफ y क्या मिलेगा हमें, ये 4 सामने आ जाएगा, 4 इसमें से एक कम होगा 3 हो जाएगा, ये जब पहले आएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 x स्क्वायर और यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 x और यहाँ पे क्या होगा माइनस में 10 हो जाएगा और ये जो 5 है 5 का डिफरेंस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें ये क्या हो गया dds ऑफ y मिल गया, यानी कि इस दिए गए कर्व का हमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए पॉइंट पे इसको हम लोग निकाल लेंगे, दिए गए ये क्या है, ये जो कि आपका स्लोप है, जो टेंजेंट हम लोग ड्रा करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, जैसे कोई कर्व ऐसे जा रहा है तो ये जो टेंजेंट अगर हम ड्रा करते हैं तो x एक्सिस जितना ये क्या होता है स्लोप झुका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं और उसी को टेन के साथ ले लेते हैं तो क्या होता है टेंजेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको dy / dx एट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है 0.5 0.5, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, x के प्लेस पे 0 रखेंगे और y के प्लेस पे 5, यहाँ देखिए जहां जहां x है वहां रखने पे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0 - 0 + 0 - 10, यानी कि ddx ऑफ y एट गिवन पॉइंट और ये स्लोप निकला है माइनस में 10 और ये पॉइंट x माइनस x नॉट कितना है 0 है। अब देखिए y माइनस 5 माइनस 10 x इंप्लाइज हम कह सकते हैं इसको हम लोग जब इधर लाएंगे तो 10 x + y माइनस 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट 0.5, इट मींस दैट ये जो इक्वेशन निकला है ये दिए गए कर्व का क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है टेंजेंट का इक्वेशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है,
तो नॉर्मल जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी जो हमारा जो भी कर्व बनाए थे टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर अगर हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के कसम जाएगा। नॉर्मल मीन्स क्या होता है, अभिलंब का समीकरण। इसके लिए भी तो कुछ फार्मूला होंगे, तो फार्मूला जानते हैं कि अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं, इनका जो स्लोप होता है m1 m2 क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अगर कोई भी दो रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती हैं, तो इनकी स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जब यही रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इनके प्रोडक्टताओं का यानी कि जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट और -1/dy/dx एट x नॉट एंड y नॉट। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, x माइनस x नॉट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अभिलंब या फिर कह सकते हैं नॉर्मल। तो देखिए अब हमें dy/dx मिला ही है पहले से, तो आराम से यहाँ पे क्या करें, y माइनस क्या होगा, y नॉट 5 माइनस 1/5 कितना निकला है, -10 निकला है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे माइनस में 10। x माइनस x नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 हो जाएगी। तो देखिए अब क्या होता है, वाई माइनस 5 ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 0 कितना होता है, x होता है। अब इस 10 का हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। अब हम लोग सभी को उधर ले चले जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 10y और प्लस 50। अब उसके बाद साइड को चेंज कर देंगे, तो साइड को चेंज करेंगे क्या मिलेगा हमें, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट 0,5। इट मींस दैट हमारा जो क्वेश्चन क्या था, दिए गए वक्र का मतलब कोई एक वक्र रहेगा और उसमें एक पॉइंट रहेगी, उसमें हमें क्या निकालना रहेगा, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिए गए वक्र को, दिए गए सरफेस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो हमने यहाँ पे किया है डिफरेंशिएट किया है, फार्मूला लिख दिया हूँ, अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद होगा तो फार्मूला एक बार देख लेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है तो हमें ये कर्व मिला हुआ है, तो ये कर्व मिला हुआ है तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास पॉइंट क्या है, 0,5। तो हमने क्या किया, x के सामने 0 रख दिया है, जैसे ही x के सामने 0 रखेंगे ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस में 10 निकलेगा। जब माइनस में 10 स्लोप निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा हमारा, 3x + y - 5 = 0। ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये एग्जाम में मतलब 100% चांस है कि पूछते हैं, क्योंकि आप कोई भी पेपर उठाकर देखिए क्लास 12 का यानी बोर्ड एग्जाम का, आपको ये क्वेश्चन जरूर में जरूर मिलेगा और 4 नंबर से कम नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं देखना, जरूर बताएं।